2021 तो खत्म होने वाला है, तो 31 का क्या प्लान है? पार्टी करने जाओगे या घर पर ही रहोगे? अगर घर पे रहोगे तो बोर होगे, लेकिन घर पे रहके बोर क्यों होना है? मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नए मूवीज एंड टीवी शोज जो आप डेफिनेटली एंजॉय करोगे अपनी 31 की नाइट को। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। तो पहली मूवी जो हमारी लिस्ट में आती है उसका नाम है द लॉस्ट डॉटर। ये एक वुमेन के बारे में है जो वेकेशन पर जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात एक मदर और डॉटर से होती है, जिनकी रिलेशनशिप को देखकर उसकी कुछ पुरानी यादें वापस आ जाती हैं जो कि उस वुमेन की अपने बच्चों के साथ। मूवी काफ़ी ज़्यादा पास्ट और प्रेजेंट में शिफ्ट करती रहती है और यही चीज़ मूवी को थोड़ा एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बनाता। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और मैं इसको एक बार और एक्सपीरियंस करना चाहूँगा। सो आप लोग भी इस मूवी को चेकआउट करना। बढ़ते हैं अपनी सेकंड मूवी की तरफ। दूसरे नंबर पे जो सीरीज आती है उसका नाम है स्टे क्लोज और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। ये एक मिनी सीरीज है और जो कि आप एक ही बार में बिंज कर सकते हो। ये इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी अमेजिंग है। ये सीरीज एक फोटो जर्नलिस्ट, एक मॉम और एक डिटेक्टिव के अराउंड घूमती है, जिन सभी की लाइफ एकदम से पलट जाती है उनके कुछ पास्ट में हुए खतरनाक इवेंट्स की वजह से। ये सीरीज आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये आपको हर एक एपिसोड में एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देगी। तीसरे नंबर पर आता है एक शो जो कि Amazon प्राइम वीडियो पर रिसेंटली रिलीज हुआ है, जिसका नाम है द व्हील ऑफ टाइम। और ये एक ऐसी वुमेन की कहानी है जो कि एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है जिसमें कि वो मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पांच लोगों को अपने साथ एक जर्नी पर लेकर जाती है अराउंड द वर्ल्ड, ये सोचकर कि शायद उनमें से कोई एक महान ड्रैगन का दूसरा रूप हो सकता है। शो शुरुआत में तो आपको काफी स्लो लगेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन फोर्थ एपिसोड के बाद ये शो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जब इसका 8th एपिसोड यानी कि फाइनल एपिसोड खत्म होगा तो आप डेफिनेटली इसके सेकंड सीजन का वेट करने वाले हो। इस शो को लेकर बहुत सारे लोगों की मिक्स्ड फीलिंग्स थी, तो आपको एक बार ये शो देखना पड़ेगा और खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। फोर्थ नंबर पर आती है अभी हमारी हाल ही में रिलीज हुई द लेजेंड लियोनार्डो डी कैप्रियो की मूवी डोंट लुक अप ऑन नेटफ्लिक्स। इस मूवी में हमें दो एस्ट्रोनॉमर्स की कहानी दिखाई जाती है, रैंडल और केट। केट को एक दिन अचानक पता चलता है कि एक कॉमेट जो कि 6 से 9 किलोमीटर बड़ा है वो अर्थ की तरफ बढ़ रहा है और वो अगले 6 महीनों में अर्थ को हिट करेगा और वो इतना खतरनाक है कि उससे पूरा प्लैनेट अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब यहीं पर कहानी अपना इंटरेस्टिंग मोड लेती है जब ये दोनों एस्ट्रोनॉमर्स, रैंडल जो कि प्ले किया है लियोनार्डो डी कैप्रियो ने और केट जो कि प्ले किया है जेनिफर लॉरेंस ने, वो इस बात को दुनिया के सामने रखने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब इस फिल्म में अपने लियोनार्डो डी कैप्रियो हैं तो उनके लिए हमें इस मूवी को एक बार तो एक्सपीरियंस करना जरूर होगा क्योंकि ये काफी काफी अच्छी मूवी है। पांचवें नंबर पे जो हमारी लिस्ट में शो आता है उसका नाम है द साइलेंट सी और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसकी कहानी में हमारी दुनिया का फ्यूचर दिखाया गया है जहाँ पानी खत्म हो चुका है और अब हमारी प्यारी अर्थ धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने वाली है। तो अर्थ से चांद पर 24 घंटे के लिए कुछ साइंटिस्ट की टीम को भेजा जाता है जहां पर उन्हें एक स्टेशन से कुछ सैंपल्स लेने होते हैं। वहां जाने के बाद उन साइंटिस्ट को कुछ खास सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है जिससे उनकी जिंदगी और मौत पर बन आ जाती है। इस शो की बेस्ट बात है उस स्टेशन से जुड़ी मिस्ट्री, तो आप इस शो को बिल्कुल मिस मत करना और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारी लिस्ट में आती है, ये मूवी इंडियन सिनेमा में एक रेवोल्यूशन ला सकती है और इस मूवी का नाम है मिन्नन मुरली ऑन नेटफ्लिक्स। इस मूवी में हमें जेसन की कहानी दिखाई जाती है जिसे अपनी लाइफ में अमेरिका जाकर टेलर या तो ये कहें कि एक फैशन डिजाइनर बनना है, बट उसकी लाइफ एकदम से बदल जाती है जब एक दिन अचानक उसके ऊपर बिजली गिर जाती है और उसकी वजह से उसे कुछ सुपर पावर्स मिल जाती हैं। और उसी दिन एक और इंसान के ऊपर बिजली गिरती है और उसको सुपर पावर्स मिलती हैं। अब ये एक सुपर हीरो मूवी है बट उसकी तरह फील नहीं होती क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। ये मूवी सिर्फ और सिर्फ अपने एक्शन सीक्वेंस में थोड़ी मार खा जाती है और वो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन यहाँ पर हमें इंडियन क्रिएटर्स की काफ़ी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने कोई और कुछ अलग करने का रिस्क लिया। तो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो में बस इतना ही।